Assalamualaikum. So guys, क्या हाल है? तो guys, आज की इस वीडियो में बात होगी Oppo Reno 5 Pro Plus and Vivo का X60 Pro Plus 5G. दोनों फोन 5G होने वाले हैं. ये कौन सा फोन बेटर होने वाला है? अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर कब देखने के लिए मिलेंगे एंड कितनी प्राइस में देखने के लिए मिलेंगे? कैसा डिजाइन होने वाला है? फर्स्ट लुक भी निकलकर सामने आ चुकी है. और अगर हम कैमरास की बात करें तो किस फोन के सबसे तगड़े कैमरास होने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम ऑल स्पेसिफिकेशन बताएंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए भी सो गाइज, दोनों फोन के अंदर हमें एमोलेड का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, बट इस बार हमें Vivo X60 Pro Plus के अंदर 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने के मिलेगा, जबकि Oppo Reno 5 Pro Plus के अंदर हमें 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने के मिलेगा. HD 10 Plus की सपोर्ट डिस्प्ले साइज सेम होने वाला है, 6.55 इंच एंड 6.56 इंच Vivo X60 Pro Plus के अंदर. सो गाइज, अगर हम प्रोटेक्शन की बात कर लें तो हमें Vivo X60 Pro के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन लेदर बैग, अगर हम बात करें Oppo Reno 5 Pro Plus के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट पर एंड बैक पर भी हमें ग्लास 5 की प्रोटेक्शन ही देखने के लिए मिले. सो गाइस, बात आती है प्रोसेसर की. जो हमें भी वो X60 Pro Plus के अंदर प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 888 का देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है. बट Oppo Reno 5 Pro Plus के अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वो 865 का देखने के लिए मिलेगा. और जहां पर जो कैमरास देखने के लिए मिल जाते हैं Oppo Reno 5 Pro Plus के अंदर, बैक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, प्लस 13 का यहां पर आपको टेलीफोटो लेंस, 16 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 का मैक्रो देखने के लिए मिलेगा. फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, बट इस बार यहां पर जो फ्रेम पर 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, इनमें हम सोनी का सेंसर देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा हमें तगड़ी क्वालिटी देने वाला है वीडियो के अंदर भी, एंड अगर आप फोटो लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी होगी. कैमराज के मामले में ओप्पो बेस्ट होने वाला है, बट इस बार वीवो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आया है अपने कैमराज के अंदर. इसमें हमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलेगी हमें इस बार वीवो के X60 Pro Plus के अंदर. यहाँ पर जो हमें वीवो X60 Pro Plus के अंदर मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा वो होगा 50 मेगापिक्सल का, जैस 8 का यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिलेगा पेरिस्कोप, टेलीफोटो 5x ऑप्टिकल जूम के साथ, 32 का टेलीफोटो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ एंड 48 मेगापिक्सल का गिम्बल स्टेबलाइजेशन. और जहां पर जो लेंस यूज किया है वो जिस टेक्नोलॉजी का लेंस यूज किया है. सो गाइज, आप खुद पिक्चर के अंदर चेक कर सकते हैं कि ये वाला लेंस हमें कितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी का जो इन्होंने सेंसर यूज किया अपने कैमरा के अंदर वीवो वालों ने. बैटरी की बात कर लें तो हमें Vivo X60 Pro Plus के अंदर थोड़ी सी बैटरी कम देखने के लिए मिलेगी. यहां पर हमें जो बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है 42 mAh की बैटरी है, 55 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी. और अगर हम बात करें Oppo Reno 5 Pro Plus के अंदर जो बैटरी देखने के लिए मिलेगी हमें 45 mAh की बैटरी एंड 65 वाट की फास्ट चार्जिंग, चार्जिंग भी तगड़ी देखने के लिए मिल रही है एंड बैटरी भी. तो गाइस, प्राइस की बात कर लें तो जो हमें प्राइस देखने के लिए मिल रही है Vivo X60 Pro की, जैसे कि प्राइस हमें पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिली 1,30,000 की रेंज में Vivo X60 Pro हमें देखने के लिए मिला, और जबकि Vivo X60 हमें 60,000 की रेंज में देखने के लिए मिला. लेकिन अगर हम बात करें तो हमें Vivo X60 Pro प्लस की प्राइस हमें 1.5 लाख से ऊपर ही देखने के लिए मिलेगी पाकिस्तान के अंदर. अगर हम बात करें तो Oppo Reno 5 Pro Plus ये हमें 1,15,000 की रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर, बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है. थोड़ी बहुत ही स्पेसिफिकेशन हमें डिफरेंट देखने के लिए मिली Vivo X60 Pro से. तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में. हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा. कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए. ओके, अल्लाह.